ओके तो स्टार्ट करते हैं फिर से। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट का कर रहे थे, ठीक है। लेट तो हम वेरिएबल लगाते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंट फ्लोट इन की जगह हम लगा सकते हैं लेट वेरिएबल इसमें। अब हमने फर्स्ट नेम में कुछ नहीं दिया, खाली छोड़ दिया, और हमें ये प्रिंट भी कराना है और इसका टाइप भी देखना है कि ये किस टाइप का है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया, फर्स्ट नेम में तो कुछ डाला ही नहीं है, तो हम उसको प्रिंट कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, लेट फर्स्ट, अब हमें ना हमें ये तो सेम हो गया जो अभी हमने देखा कि इसका टाइप देखेंगे और फिर इसको प्रिंट कराएंगे, लेकिन इसके टाइप इसमें प्रिंट तो, इसमें लिखा तो कुछ है ही नहीं, हमने कुछ एंट्री नहीं कराया, तो हम इसको प्रिंट भी नहीं करा सकते, तो अनडिफाइंड शो करेगा। अब मान लो कि हमने फर्स्ट नेम में डाल दिया हर्षित, अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग से। तो पहले तो टाइप ऑफ क्या करेगा, फर्स्ट नेम का टाइप शो करेगा, उसके बाद उस फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देगा। हमने सेम कमांड में ये दोनों डाल दिया, तो आंसर आएगा, सबसे पहले ये बताएगा ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और अब फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा हर्षित, ठीक है। अब ये कुछ इसमें जो फॉल्स वैल्यूज है, नल, अगर हमने वेरिएबल में नल डाल दिया और हम उस नल वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू भी नल ही शो करेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने इस माई वेरिएबल में हर्षित डाल दिया, अब इसका टाइप देखेंगे और इसको प्रिंट कराएंगे, तो सबसे पहले तो माई वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग में डाला, तो माई वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। उसके बाद हम इसका टाइप देख रहे हैं, तो इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग शो कर रहा है, क्योंकि नल तो वो वैल्यू है जो ये लेता ही नहीं है सिस्टम, अब हम जो कि इसको फॉल्स कंसिडर, उसको कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहा है, तो जो हमने वैल्यू बाद में माई वेरिएबल की डाली वो उसने कैच कर ली और उसको शो कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग का लॉग में एक नल का टाइप ऑफ डालेंगे, ये आप करके देखना, तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट शो करता है। जब हमारा सिस्टम ऑब्जेक्ट शो करता है तो इसका क्या मीनिंग है कि हमने तो वैल्यू, हमने तो कुछ डाला ही नहीं, नल वैल्यू को ऑब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है? तो ये जो है जावास्क्रिप्ट में एक फॉल्ट है, जो कि जब जावास्क्रिप्ट आई थी तो उसके साथ ही आया था, लेकिन अब उसको इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट से डेवलप हो गई, बहुत सारे ब्राउजर है, बहुत सारे इंजन है जिनमें कि जावास्क्रिप्ट यूज हो रखी है। अगर अब हम नल को चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो इसको ध्यान में रखते हुए जो इतने सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इतने सारे इंजन से और ये ब्राउजर्स डेवलप किए हैं, वो सब गलत प्रूफ हो जाएगी, तो उन सबको चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये जो नल है, ये इसमें बग है, ये यहीं की यहीं रखा गया और इसको चेंज नहीं किया गया। ओके तो नाउ नेक्स्ट बिगिन वेरिएबल। तो बिगिन से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में एंटर करते हैं कोई नंबर, तो उसकी ना एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक उसको डालते जाएंगे, क्योंकि भाई मेमोरी है तो उसको फिल होने से भी बचाना है, तो उसकी ना एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट तक आप नंबर्स को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस लिमिट से ज्यादा डालना है तो उसके लिए हम बिगिन वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन आपको अगर ये देखना है कि इसकी लिमिट कितनी है, कि हम कितने कहाँ तक के कैरेक्टर डाल सकते हैं, वेरिएबल डाल सकते हैं, तो इसमें इसके लिए एक फंक्शन है, एक ये कीवर्ड है मैक्स सेफ इंटीजर, तो ये हमारी उस इंटीजर की मैक्सिमम लेंथ शो कर देगा जहां तक कि आप उस पर नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें इतना बड़ा नंबर लिखना है लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना ही स्पेस है, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैक्स सेफ से शो की है कि हम इतना ही इंटीजर डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इतना बड़ा डालना है तो हम इसके आगे बिगिन लगा देंगे और वो उसको पूरी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो,
ऐसा नहीं है कि बिगिंट आप सिर्फ बड़े नंबर्स के आगे लगा सकते हैं, बिगिंट आप किसी भी नंबर के आगे लगा लेते हैं, लेकिन बिगिंट की ना एक शर्त होती है कि बिगिंट के साथ वेरिएबल के साथ अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो सिर्फ दूसरे बिगिंट वेरिएबल के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी परफॉर्म करके हमें आउटपुट निकालनी है बिगिंट वेरिएबल की, तो दूसरा वेरिएबल भी बिगिंट ही होना चाहिए, तभी वो उसको उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये देखो, अब हमने सिर्फ 12 को बिगिंट लिया है तो 12 यहाँ पे शो कर दिया, सॉरी बिगिंट में एन भी लगाते हैं हम और बिगिंट भी लिखते हैं, लेकिन हमने प्रिंट इसको कराया है माई नंबर को, तो माई नंबर में 12 है और जब हम बिगिंट इसके आगे लिख देते हैं तो वो उसके पीछे एन लिख देता है कि आप इसको एन नंबर तक आगे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बुलियन और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो जब हम बुलियन ऑपरेटर्स को यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो सिस्टम है वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू शो करता है। वैसे ये आपने पहले किए हुए हैं तो ये काफी इजी पड़ जाता है, लेकिन हमें तो स्टार्टिंग से करना है। तो नंबर वन और नंबर टू लिया, अगर हमने ये सेम ले लिया और हम इसको शो करा रहे हैं कि नंबर वन है वो ग्रेटर देन है, प्रिंट करा रहे हैं, तो ये तो ट्रू तो है ही नहीं, तो इसने शो नहीं किया कुछ भी, क्योंकि ये इक्वल था इसलिए शो नहीं किया। लेकिन अगर नंबर नंबर वन इज ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन दे रखी है, तो वन तो ग्रेटर देन नहीं है तो इसने फॉल्स शो कर दिया। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो हमने कंडीशन में इक्वल भी लिखा है, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो इक्वल में ट्रू शो कर दिया। अब लेस देन शो किया है लेकिन हमने नंबर चेंज कर दिए तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए आउटपुट में ट्रू आया है। अब दोनों इक्वल है तो हमने इक्वल लगा दिया इसलिए ट्रू आया, लेकिन आप डबल इक्वल की जगह यहाँ पे ट्रिपल इक्वल भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो हम कुछ परफॉर्म करके देखते हैं, ये नंबर है माई नंबर, इसमें हमने बिगिन वेरिएबल 12 ले लिया और सेम दूसरा नंबर ले लिया है 1 2 3, लेकिन इसके आगे ना तो हमने बिगिन लगाया ना एन लगाया है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए दोनों नंबर। अब हमें दोनों का प्लस करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमें एरर शो कर देगा क्योंकि एडिशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एडिशन होने के लिए एक बिगिन वेरिएबल के साथ दूसरा भी वेरिएबल जो नंबर है जो वो बिगिन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम ऑपरेशंस है, ट्रू फॉल्स ये एग्जांपल्स है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो, आप हमने वैसे तो इसको स्ट्रिंग बना दिया 7 को, लेकिन ये सिर्फ नंबर देखेगा, ये नहीं देखेगा कि ये इंट है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है, ये नंबर देखेगा, नंबर इक्वल होने चाहिए। इसमें नंबर तो 7 है लेकिन हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया, इस चीज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिर्फ नंबर को कंसिडर कर रहा है, नंबर वन और नंबर टू, और वो दोनों इक्वल है तो इसने रिजल्ट शो कर दिया ट्रू। ट्रिपल इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने अभी बताया। नॉट इक्वल के लिए आप ये 7 और 7 है, दोनों इक्वल है, अगर हमें नॉट इक्वल शो करना है तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है, लेकिन तब भी हम इसको नॉट इक्वल लिख रहे हैं, ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखो इसमें हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया, इसको नंबर ही रखा, तो जब हम इसको इक्वल करते हैं तो ये ट्रू देता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को, ये इस चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि ये इंट है या स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हमने डबल इक्वल लगा दिया तो इसका मतलब अब ये उल्टा हो जाएगा, अब ये चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, क्योंकि हमने इसमें डबल कोट्स लगा दिया। अब ये इफ एल्स कंडीशंस देख लेते हैं। एज में 18, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हमें ये प्रिंट करना है, और अगर नहीं तो हमें ये प्रिंट करना है, यू कैन प्ले मारियो। तो अब हमें इसमें यूजर एंटर करा रहा है, अगर 17 हमने एज में दे दिया तो वो कंडीशन चेक करेगा 18 से बड़ी है छोटी है, तो बड़ी है तो मारियो प्रिंट कर रहा है,
अब एक ये एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर नंबर में हमने 14 ले लिया, इफ एल्स सॉरी ऑड इवन प्रिंट कराने करा रहे हैं, और उसको डिवाइड कर दिया, और फिर देखते हैं नंबर ओड है या इवन है. तो इफ एल्स कंडीशन इसमें करेंगे, जो कि हम पहले जावा में कर चुके, तो ये आप लोगों को पहले से ही आता होगा, बहुत इजी सा है. अब लेकिन इसमें क्या है, जो जावास्क्रिप्ट, जावा में देखो हम इसी चीज के लिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे थे, जावास्क्रिप्ट में उसी चीज के लिए कितने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, कुछ लाइनें ही लिखनी पड़ रही है बस. ठीक है, अब ये देखो, लेट फर्स्ट नेम, हमने कोई फर्स्ट नेम लिया और उसको खाली छोड़ दिया. इफ फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू हो, तो हमें फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना है, और अगर फर्स्ट नहीं तो एल्स में हमें ये प्रिंट कराना है. लेकिन हमें फर्स्ट नेम में कुछ डाला ही नहीं है, वो तो एम्प्टी है, तो एल्स है, तो इसलिए सिस्टम ने ये प्रिंट करा दिया, तो हम खाली छोड़ सकते हैं. अगर जीरो है तो जीरो को भी वो कुछ कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जीरो भी एक फॉल्स वैल्यू है. ये है कुछ फॉल्स वैल्यूज, जीरो, अनडिफाइंड, नल, डबल कोट्स खाली है, या फॉल्स लिख देते हैं, तो ये इसमें फॉल्स वैल्यू है. बाकी इसके अलावा जो सारी वैल्यू बच गई वो ट्रू वैल्यूज है, तो उनको वो कंसिडर करता है छोड़ करके. इनको इनको फॉल्स ही वैल्यूज बोलते हैं. तो ये हम रख के देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम में जीरो रखा तो क्या रिजल्ट आया, अगर नल रखा है तो क्या रिजल्ट है. नल में कोई रिजल्ट शो नहीं करता है, क्योंकि नल कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जीरो भी नहीं है, ट्रू फॉल्स में भी कंसिडर नहीं होता है वो. अगर फॉल्स रखा है तो क्या रे, फॉल्स तो अपने आप में फॉल्स हो गया, तो वो उस वैल्यू को तो लेगा ही नहीं, एल्स वाली वैल्यू को ही लेगा. अब हमने फर्स्ट नेम में वन लिख दिया, अब ये इसको कंसिडर कर लेगा, अब ये फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट करा देगा. अगर हमने -1 ले लिया तो -1 को भी सेम एज इट इज प्रिंट कराएगा ये. अब एक कंडीशन ले ली इफ एल्स की, ये वाली, कि अगर एज 5 से ज्यादा या इक्वल है तो कॉफी ड्रिंक कर रहा है, अदरवाइज वो मिल्क ड्रिंक कर रहा है, और हमने इसको प्रिंट करा दिया. तो इसने कॉफी ले ली, कंडीशन को चेक करके ज्यादा है इसलिए. ये भी सेम है, इसमें एज चेंज करके देख ली. अब उसी को जो हमने कोड 2-3 लाइन में लिखा, उसी कोड को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, ये इसको और छोटा बना देगा. अगर एज 8 है, लेट ड्रिंक है, वो एज वो ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक हमने कोई वेरिएबल ले लिया जिसको हमने प्रिंट कराना है. अब ड्रिंक में क्या डाल दिया, एज जो है ये कंडीशन लगा दी, अगर 5 से ज्यादा है और इक्वल है तो फिर कॉफी, अदरवाइज मिल्क. ये क्वेश्चन मार्क इसके इसमें लगाना जरूरी है इसके पीछे, क्योंकि ये चेक करेगा ज्यादा है या कम है. तो फिर ड्रिंक, अब हम कंसोल डॉट लॉग में ड्रिंक को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये अब कंडीशन को चेक करेगा. जो 3 है वो हमारा जो 5 है उससे छोटा है, तो मिल्क प्रिंट करा देगा. ठीक है, अब ये देखो, फर्स्ट नेम में हर्षित ले लिया, उसकी एज 20 ले ली. अब फर्स्ट नेम में 0 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 नंबर पे एच लिखा हुआ है. तो अब हम कंडीशन देते हैं कि अगर 0 पे जो वेरिएबल है वो बिग एच के इक्वल है तो ये प्रिंट कर देगा. तो ये तो सही है कंडीशन, तो अब ये हमें ये प्रिंट करके दे देगा. लेकिन अच्छा, ये इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, अगर एज 18 है, ग्रेटर देन 18 है, तो यू आर अबाउ 18, ये भी आ गया सेम प्रिंट. ओके, अब यह है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि दो कंडीशंस दे दी एक साथ, या तो क्या है, जो नेम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो जो नेम है 0 से सॉरी 0 नंबर पे जो नेम का लेटर है वो एच है, और एज जो है वो 18 से ज्यादा है, तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं. अब इसमें इसमें क्या है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना बहुत जरूरी है. अब ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसने ये प्रिंट कर दिया, नहीं तो नहीं करता. अब ये देखो, अगर इसमें हमने थोड़ा अलग, इसमें हमने थोड़ा अलग ले लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, जो एज है वो 22 से हटाकर 16 कर दी. अब एक कंडीशन तो इसमें ठीक है कि 0 पे ये कैपिटल एच है, लेकिन यहाँ पे अलग कर दिया कि जो एज है वो यहाँ पे तो 16 है, यहाँ पे 18 है, लेकिन ग्रेटर देन दे रखी है, तो ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसने एल्स वाला लूप चलाया है.
अब ये देखो, इसमें हमने एच हटा दिया, लेकिन कंडीशन हमारी वो की वो है, तो ना तो इसको एच मिला ट्रू, ना ये ट्रू मिला। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो भी ये एल्स वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा खत्म। इसमें ना एक और का और है, और ऑपरेटर से क्या है कि अगर आप और हाँ यही वाला है, सॉरी, और ऑपरेटर में क्या है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो वो उसको कंसीडर कर लेगा। अगर यहाँ पे स्मॉल एच होता और हम यहाँ पे स्मॉल एच लिख देते और ये वाला एज का है जो वो ट्रू नहीं होता, तो इन वो तब भी इसको ट्रू, जो हमारी ट्रू वाला प्रिंट करना है वो उसी को प्रिंट करता। तो और में तो एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यही था।